नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। सीएम योगी आदित्यनाथ के आगामी नवरात्र में दुर्गा सप्तमी और साथ ही अखंड रामायण पाठ के लिए किए जाने के फैसले और उनके लिए शासन द्वारा धन आवंटित किए जाने के मामले पर अब विपक्ष पार्टियों ने राजनीति का मुद्दा बनाता हुआ शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने इस मसले को लेकर मुद्दा बनाकर बीजेपी पर जमकर हमला किया है और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो अब समाजवादी पार्टी सरकार में चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे और साथ ही मौजूदा समय से गैरसेड़ी विधानसभा सीट से सपा के विधायक डॉक्टर एसपी यादव ने भी इस आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए जनता पर थोपने के आदेश बताया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अपनी हैसियत के मुताबिक ही हर हिंदू नवरात्र में चालीसा पाठ अखंड रामायण करवाता है, यह हिंदू भाइयों में आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। इससे सरकार को शायद लगता है कि हिंदू इतना गरीब हो गया है कि दुर्गा सप्तमी और साथ ही रामायण का पाठ नहीं करवा सकता है। उन्होंने कहा है कि धन शासन द्वारा आवंटित किया गया है और वे प्रति व्यक्ति 3 पैसा पड़ रहा है, जो कि सरासर हिंदू भाइयों के साथ मजाक किया जा रहा है। सरकार जो है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए और जो पिछड़े और जो हमारे दल अनुसूचित जनजाति समाज के लोग जो आरक्षण की जो सरकार समाप्त कर रही है उससे ध्यान हटाने के लिए और जो जातीय जनगणना है जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान के जो पिछड़े दलित और अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग लामबंद हो रहे हैं उसे ध्यान हटाने के लिए ये सरकार ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत 19 मार्च को किया जाना है, जिसमें यूपी के ब्राह्मण समाज के कई संगठन भी शामिल होंगे। और वहीं श्री परशुराम बता दें कि इंटरनेशनल महासंघ की अगुवाई में लखनऊ में कई ब्राह्मण संगठनों ने बैठक की है, जिसमें ब्राह्मण परिवारों को जयपुर में होने वाली ब्राह्मण महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हो इस पर चर्चा की गई है। इस अवसर पर स्वामी बम्बम महाराज, अशोक कुमार शर्मा सहित कई ब्राह्मण संगठन के मुख्य पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं। ये ब्राह्मणों को संगठित करने की महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें भारतवर्ष के बहुत से संगठन आ रहे हैं और ये जो है ना जयपुर स्टेडियम में ये प्रोग्राम हो रहा है और इसमें करीब 2.5 लाख से 2.75 लाख तक ब्राह्मण इकट्ठा होंगे और उत्तर प्रदेश से भी मैं हम लोगों की पूरी टीम जा रही है सहभागिता करने के लिए, ताकि ब्राह्मण संगठित हो सके, अपनी आवाज़ उठाए तो उसकी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके, क्योंकि आजकल हर वर्ग ब्राह्मणों की निंदा कर रहा है, तो इसलिए ये आयोजन किया गया है। हरदोई के सांडी इलाके में फरुखाबाद से शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की संदिग्ध मौत से हड़कम समझ गया है। बताया जा रहा है कि दोनों को आपस में मिलता देख महिला के पति ने प्रेमी की पिटाई कर दी और उसे घर के बाहर खंभे से बांध दिया। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने उसे गंभीर हालत में CHC में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान प्रेमी की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। सूचना पर SP की घटना का जायजा लिया है। वही युवक की मौत जहरीले पदार्थ खाने से होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर मिलने पर इंतजार कर रही है। जो अब तक जानकारी प्राप्त हुई है, एक ग्राम आदमपुर है थाना सांडी में, इसमें लगभग भोर में किसी टाइम गांव के एक युवक द्वारा 112 नंबर को सूचना दी गई कि कोई युवक उसके चचेरे भाई के घर में घुस गया है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसको जो मृतक है उसको एक खंभे से घर के बाहर बंधा हुआ पाया गया और यह बताया गया कि वह जो प्रीतपाल नामक युवक जिसके साथ वो हिमाचल में नौकरी करता था उसके घर में घुसा हुआ था। उसके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि संभवतः उसने मतलब या तो खा लिया है कोई जहरीला पदार्थ या उसे खिलाया गया, स्पष्ट नहीं था। अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। जो अभी तक पड़ताल की गई है उसके हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जिसके घर में घुसा था कुछ उसके उनसे संबंध थे। मौके पर कुछ जहरीले पदार्थ होने की भी पुष्टि हुई है। मृतक के घर वाले अभी आ रहे हैं। पोस्टमार्टम से जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो तहरीर मिलेगी, विधिक कार्रवाई की जाएगी।
महिला थाना परिसर में किन्नर समाज के दो गोट आपस में जमकर हुई मारपीट का ये मामला सामने आया है, जहां पर गोरखपुर में जनपद के महिला थाना परिसर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब किन्नर समाज के दो गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान महिला थाने में आपसी फरियाद लेकर बड़ी संख्या में फरियादी आए हुए थे। इसी दौरान बता दें कि किन्नर समाज के दो गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया और साथ ही महिला थाने में मारपीट होती रही और किन्नर समाज के एक बता दें कि एक जो है वो दबे पाँव वहां से निकल गए। साथ ही बता दें कि किन्नर के दूसरे किन्नर घुटने से एक दूसरे को पीटते हुए नजर आए और ये तस्वीर जहां पर गोरखपुर में किन्नर समाज एक दूसरे को पीटता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ना पे आए हैं हमारे लोगों लेके, मैं किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य हूँ और एक कमेटी के मेंबर है। हम दोनों को छोड़ के, क्योंकि हम लोग धर्म ध्वजा लेके भी चलते हैं, ठीक है, हर जगह हम लोगों, क्योंकि इस समय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, हर जगह धर्म ध्वजा। आज मैं खुद राजघाट पे, आज वहाँ पर ही मैं रामलीला मैदान पे भी प्रोग्राम करके कलश यात्रा पीपीगंज में हुआ, जब मैं जा रही थी वहाँ गगहा में भी इंडियन टूर्नामेंट का प्रोग्राम पे। अब हमारी एकता नहीं आई है तो हमारा जो प्रोग्राम है, प्रशासन चाहे अधिकारी पद अधिकारी अगर होता वो अपना मेंबर खोजता है, जैसे अपने बाप अपने बेटा को खोजता है। तो लेकिन हमारे यहाँ पर में मेंबर ने, अगर कोई साड़ी पहन के चला गया वो मेंबर हो गया, वो सदस्य हो गया। हमारा लोगो लेके चल रहे हैं, जो कि मैं हूँ मेन और ये भी है। आगरा में थाना शाहगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल आगरा पुलिस ने मासूम से दुष्कर्म का खुलासा किया है और साथ ही पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें युवक 13 तारीख से मासूम बच्ची के साथ इसने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से अभियुक्त की तलाश लगातार जारी थी और आज पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 13/3/2023 को एक 9 वर्ष की बच्ची के साथ थाना सागन क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें शामिल अभियुक्त, जिसका नाम साहिद उस्मानी पुत्र जहीर उस्मानी निवासी शिवनगर गाटर वाली गली थाना सागंज आगरा है, को गिरफ्तार कर लिया है। जब बच्ची वहाँ सुबह सुबह शौच करने के लिए गई थी, यह व्यक्ति वहीं मौजूद था और उस बच्ची को देख कर उसे उठा कर ले गया और इसने उसके साथ दुष्कर्म किया और जो चोटें भी आई थी इसी ने उसे पहुंचाई थी। और आगरा का ये पूरा मामला जहां पर लगातार इस अभियुक्त की तलाश जारी थी और प्रशासन लगातार इस अभियुक्त की तलाश में जुटा हुआ था। और साथ ही बता दें कि 13 तारीख को इस अभियुक्त ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से लगातार प्रशासन इसकी तलाश में जुटी हुई थी और इस दौरान अभियुक्त को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही बता दें कि इसको अब लगातार जेल भेज दिया गया है। पूरा मामला आगरा का आपको बता रहे हैं, जहाँ पर दुष्कर्म का जो आरोपी है इसको लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से इसकी तलाश लगातार जारी थी और साथ ही इस मामले को लेकर प्रशासन कई दिनों से इस अभियुक्त की तलाश में जुटी हुई थी। इसके बाद से अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और साथ ही बता दें आपको कि इस मामले को लेकर जो पीड़िता है उसको बता दें कि अस्पताल में ले जाया गया था और उसकी लगातार डॉक्टरों के द्वारा किस तरीके से इलाज करवाया जा रहा है और साथ ही इस अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद से अब प्रशासन जो है उसने राहत की सांस ली है। सहारनपुर थाना नुक्कड़ पुलिस द्वारा झगड़े में युवक के कंधे पर और पैर में गोली मारने के दोषातिर को 25,000 के नामी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए 2 तमंचा, 315 बोर, बता दें कि 3 जिंदा कारतूस भी अभियुक्त के पास से बरामद किया है। पूरा मामला सहारनपुर के थाना नुक्कड़ क्षेत्र से है, जहाँ पर दबंग किशन द्वारा लोगों के एक व्यक्ति पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी और फायरिंग में कि व्यक्ति घायल हो गया था, जिसके घायल व्यक्ति के एक कंधे पर और एक पैर में गोली लग गई थी, जिसके बाद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीड़ित व्यक्ति को तहरीर पर पुलिस ने छानबीन करते हुए 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। थाना नकुड़ पर 13 मार्च को एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें कि बताया गया वादी कुंवर पाल द्वारा कि उनके पुत्र पंकज व विकास ये रहने वाले ग्राम रामगढ़ के हैं, इनके एक के तो बाएं कंधे पर गोली लगी है और एक के बाएं पैर पर,
तो इसकी जब FIR लॉन्च की और जानकारी की गई, इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, तो पता चला कि ये अभियुक्त जो हैं और वादी जो हैं, ये आपस में दोस्त ही थे, मिलने जुलने वाले थे, और इनकी किसी बात पर पैसे को लेकर विवाद हुआ और सामने जो अभियुक्त पक्ष है उनकी तरफ से फायरिंग की गई, जिसके वजह से और सहारनपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पर बता दें कि युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, और साथ ही बता दें कि एक युवक के कंधे में और एक युवक के पैर में गोली लगी है। और इस दौरान बता दें कि ये जो शातिर है 25,000 के इनामी अभियुक्त है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए 315 बोर के 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं, और साथ ही मामला ये सहारनपुर का आपको बता रहे हैं, थाना नुकुर का, जहां पर लगातार प्रशासन की तरफ से बड़ी सफलता हासिल की गई है। और दबंग किशन के साथ बता दें कि एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है, और साथ ही इस दौरान फायरिंग की गई थी, और फायरिंग में ये व्यक्ति घायल हो गया था, जिसमें से घायल व्यक्ति के कंधे और पैर में गोली लगी थी, और लगातार उसका इलाज करवाया जा रहा है। वही अस्पताल में भर्ती है वह अभिव्यक्ति, और साथ ही पीड़ित व्यक्ति की तहरीर पर पुलिस ने छानबीन शुरू की थी। पीलीभीत के पूरनपुर पुलिस ने उस समय एक बड़ी सफलता हासिल की जब उसके मुखबिर की सूचना पर उत्तराखंड से 2 लुटेरों को धर दबोचा है। इनके पास से पुलिस ने एक ट्रक में 25,000 किलो सीरिया बरामद किया है। पीलीभीत के पूरनपुर थाने पर विनय कुमार नाम के व्यक्ति, जो कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, उन्होंने एक लिखित प्रार्थना पत्र में दिया था, और उन्होंने बताया था कि आगामी 12 मार्च को उसका चालक मलकीत सिंह, जो कि 25,000 किलो के सीरिया ट्रक पर लाद कर पंजाब से निकला था, और उसको लखीमपुर से माल देना था, और साथ ही रास्ते से ही वो गायब हो गया था, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। 15 मार्च को हमारे पास ये थाना पूरनपुर से विनय कुमार मित्तल है, मुजफ्फरनगर के रहने वाले, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि इनका माल पंजाब से लखीमपुर आना था, जिसमें कि जो ट्रक सहित माल जो है वो गायब हो गया है, ड्राइवर का भी फोन नहीं मिल रहा है, जिस पर कि तुरंत हम लोगों ने मुकदमा अपराध संख्या 147/23 धारा 420-406 में हमने दर्ज करके, इसमें क्योंकि ये माल का जो इन्होंने बताया कि तकरीबन 15-16 लाख रुपये का माल था, तो इस घटना को संज्ञान में तुरंत लिया गया, और इसमें थाना पूरनपुर SHO की टीम और SOG की टीम दोनों को इसमें लगाया गया जल्दी रिकवरी करने के लिए, जिसमें कि आज हमारे हाथ ये सफलता हासिल हुई है। पीलीभीत का ही मामला, जहां पर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और साथ ही बता दें कि ये इस दौरान 25,000 किलो सीरिया भी बरामद किया गया है इन लुटेरों के पास से। पीलीभीत के पूरनपुर थाने पर विजय कुमार नाम के व्यक्ति को बता दें कि मुजफ्फरनगर के पास से गिरफ्तार किया गया है, और साथ ही प्रार्थना पत्र दी गई थी, और इस दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दोनों अभियुक्तों को, दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, और साथ ही इस दौरान उनके पास से सीरिया भी काफ़ी बड़ी मात्रा में बरामद किया गया है। लगभग बता दें आपको कि 25,000 किलो का सीरिया ट्रक पर लाद कर ये पंजाब, बता दें कि 25,000 सरिया लाद कर ये ट्रक से निकल रहे थे पंजाब की ओर, और इस दौरान पुलिस ने इन्हें दबोच लिया है, और साथ ही बता दें कि इनके पास से 25,000 सीरिया बरामद किया गया है। ये काफ़ी दिन से ये लुटेरे फरार चल रहे थे, जिसके बाद से अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा गाड़ी लूटने के प्रयास करने और उसके विरोध करने पर गोली मारने के मुकदमे में बता दें कि 25,000 के अलग अलग पुरस्कार घोषित कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के SP देहांत सागर जैन ने बताया है कि अभियुक्त द्वारा नई दिल्ली द्वारा अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा वादी के साथ गाड़ी लूटने के साथ ही विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से गोली मार देना और साथ ही गाड़ी मौके से छोड़कर भागने जाने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था, और इसके बाद से इन 4 इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस वार्ता के इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। देखिए, एक वादी है राजू गुप्ता, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने थाना 2 फरवरी को थाना सरसावा में ये सूचना दी कि इनके साथ लूट हो गई है। ये 4 अभियुक्त जो हैं ये दिल्ली से सागर घूमने आए थे,
और मौज मस्ती और ये सब नशे के मौज मस्ती के वजह से इनके जो पैसे खत्म हो गए, इन्होंने मिलकर लूट की योजना बनाई। इन्होंने सोचा कि एक किसी तरह से लूट करते, तो उन्होंने एक कैब बुक करी ये राजू नामक व्यक्ति की, और कैब से ऋषिकेश उस व्यक्ति को लेके गए भगवानपुर इलाके में। उन्होंने इसके साथ घटना करी, इसके गोली मारी पैर में और इसको गाड़ी में ही बिठा लिया। फिर थाना सरसावा की तरफ से जब ये जा रहे थे सुआ खेड़ी के पास से, तो इन्होंने उस व्यक्ति को सुनसान एरिया में देखकर और कार से बाहर फेंक दिया। ये कुछ दूर आगे चले तो इनकी कार की गैस खत्म हो गई, तो ये अपनी कार भी छोड़कर उस वहां से भाग निकले। इसके बाद जब इस पे ये FIR पंजीकृत करके इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई, तो इन चारों की जब डिटेल्स निकाली गई कैब बुकिंग के माध्यम से, तो ये चारों रहने वाले सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, और हमारी यहाँ से एक टीम गई सागर में इनको अरेस्ट करके। 15 तारीख को इनको अरेस्ट किया गया, ट्रांजिट रिमांड 2 दिन का हमें प्राप्त किया माननीय न्यायालय से, और यहाँ पे 16 तारीख को यहाँ पे लेके आए हैं इन सभी चारों अभियुक्त को, और आज 17 तारीख को माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। और इनके पास से महुआ में विद्युत कर्मचारियों की 72 घंटे की हड़ताल में और साथ ही कार्य बहिष्कार के बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए DM ने एक कड़ी कार्रवाई करते हुए बता दें कि कड़ी कार्रवाई की गई है, और साथ ही यही वजह है कि अब तक 12 संविदा कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए गाज गिरी है। और DM मनोज कुमार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए 12 संविदा विद्युत कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी है। DM ने इस कार्रवाई के बाद से विद्युत विभाग और कर्मचारियों में हड़कंप समझा हुआ है। आउटसोर्स कर्मचारी होने के बावजूद भी विद्युत आपूर्ति के लिए काम ना करने और साथ ही सुपरवाइजर को धमकाने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। DM ने कहा है कि सभी पर बता दें कि कानूनी कार्रवाई के साथ ही मुकदमा दर्ज करवाया गया है, और किसी भी सूरत में जनहित में विद्युत आपूर्ति बाधित न होने और उससे खिलवाड़ करने वालों पर बख्शा नहीं जाएगा। यही नहीं, DM ने सभी विद्युत कर्मचारियों से हड़ताल छोड़कर दोगुना काम कर व्यवस्थाओं को बेहतर करने के सहयोग की अपील भी की है। और साथ ही बता दें कि विद्युत कर्मचारी लगातार हड़ताल पर है, और तमाम जगहों पर न कि महोबा में ये विद्युत कर्मचारी लगातार हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से लगातार विद्युत को लेकर एक चिंता का विषय बना हुआ है। और साथ ही महोबा में अब DM ने बड़ी कार्रवाई की है, और साथ ही जो विद्युत कर्मचारी जो है वे हड़ताल का रुख अपना रहे हैं। इस दौरान 12 संविदा कर्मचारियों को बता दें कि हटाया गया है, और साथ ही लगातार बता दें कि उन अपील की जा रही है कि आप अपने काम पर वापस लौट जाएं और दोगुना काम करके दिखाएं, बेहतर काम करने की लगातार ये अपील DM की तरफ से की गई है। और साथ ही विद्युत कर्मचारियों से हड़ताल छोड़ने की बात भी लगातार कही जा रही है, और साथ ही ये भी कहा गया है DM की तरफ से कि किसी भी कीमत में विद्युत को लेकर अगर कुछ भी होता है तो किसी भी कीमत में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये लगातार कहा जा रहा है। और साथ ही बता दें कि लगातार विद्युत कर्मचारी अलग अलग जगहों पर हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही ये महोबा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर लगातार विद्युत कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो हम लोग को केंद्र से आदेश प्राप्त हुआ है वो यही है कि 72 आवर की हड़ताल को कंटिन्यू रखना है। 72 घंटे होने के बाद फिर जो भी आदेश आएगा उस पर विचार किया जाएगा, उसके अनुसार ही कार्य किया जाएगा। विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर गए हुए हैं, जैसा उनका अपना था, लेकिन सरकार द्वारा उसको अवैध घोषित किया गया है। मेरी सबसे यहाँ की रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो है वो नागरिकों की सेवा के लिए है, तो उस सेवा के भार को उठाएं और हड़ताल के समय जितना काम करते उससे दुगना काम करें, जिससे कि उनकी चीज़ें आगे पहुँचें। तो उनको हड़ताल से वापस आना चाहिए। जहाँ तक विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम वो है, उसमें सभी मजिस्ट्रेट लगे हैं। हमारे ITI पॉलिटेक्निक के जो BTEC पास व्यक्ति हैं उनको पोस्टिंग में उस पर काम दिया गया है। अब आपको खबर हम गाजीपुर से बताते हैं, जहां पर गाजीपुर में बिजली कर्मचारियों का भी हड़ताल देखने को मिला है। लगातार तमाम देश के अलग अलग राज्यों से बिजली कर्मचारी जो है हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। 72 घंटे का यह हड़ताल लगातार जारी है, और बिजली कर्मचारियों का आरोप है कि SSO को जबरदस्त रोका जा रहा है, प्रशासन SSO को जबरन रोक रही है। और यह तस्वीर गाजीपुर की, जहां पर यहां भी बिजली कर्मचारी हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही इस दौरान बता दें कि
जिस तरीके से 72 घंटे का हड़ताल चल रहा है, इसको लेकर जो तमाम अधिकारी हैं वो भी परेशान हैं और लगातार जो बिजली कर्मचारी हैं उनसे अपील की जा रही है कि अब हड़ताल ना करें, हड़ताल से अब वापस आ जाए, और इस दौरान निष्कासित भी तमाम लोगों को किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।